कुछ नहीं कर सकती थी। पर इसमें मेरी क्या गलती है? हाय, मैं रचना। तुम्हारा क्या नाम है? नमिता। रचना, तू एक जगह बैठकर पढ़ नहीं सकती है क्या? आई, अब मैं पानी भी नहीं पी सकती क्या? देख, तुझे मैथ्स भारी जा रहा है ना, तो महेश सर के साथ बात कर ले। हाँ, मेरी बात हो चुकी है। हो आई, और एक साल फेल नहीं हो सकती है तू। मालूम है आई। काय कर रचना, तेरे महेश सर बोल रहे थे कि मैथ्स के एक भी सवाल का जवाब तूने सही नहीं दिया। आई, तभी तो तुम चाहती हो ना कि मैं महेश सर से स्पेशल ट्यूशन लूँ। वो ट्यूशन का छोड़, लेकिन सारे जवाब गलत कैसे हो सकते हैं? फिर से फेल होने का सोचा है क्या तूने? बाड़ा, क्लास में ध्यान क्यों नहीं देती तू? आई, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैथ्स ना मेरे दिमाग में नहीं घुसता है। देख बेटा, ये 10वीं तू कैसे भी करके पास कर ले। तेरे बाबा और मैं ये नहीं कह रहे कि तू आगे जाके पढ़, तो कुछ भी सीख ले कि तू कुछ बन सके, लेकिन कुछ भी सीखने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। आई, मैं कोशिश करती हूँ ना, आप देखते हो ना, स्कूल से आने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। हाँ हाँ, पढ़ और पढ़, लेकिन 10वीं पास हो ले। रचना, काय ग, कुठे चाललीस ग? आई, बस थोड़ा ना एक राउंड मार के आती हूँ, बैठे बैठे ना सुस्ती आ गई है। नहीं नहीं, पढ़ाई करने को बैठ। आई, मैं बस अभी आती हूँ। Thank you.
हाय, मैं रचना, तुम्हारा क्या नाम है? नमिता। इसी एरिया की हो? हाँ। कौन सी बिल्डिंग? मैं वो सामने सांची निवास में रहती हूँ। मैं नूपुर नगर में रहती हूँ। तुम यहाँ रोज़ आती हो ना, मेरी विंडो से दिखता है। मेरा मतलब, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना घर पे, तो वहाँ विंडो है तो तुम अपने आप ही दिख जाती हो। मायूसी में लिपटी नमिता को देखकर रचना के संवेदनशील दिल के तार छिड़ गए। वो नमिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। रचना खुद नमिता के पास गई और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रचना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द नमिता के मन का ज्वालामुखी फटने वाला था और वो अपनी मायूसी का कारण रचना को बताने वाली थी। ना, मैं स्कूल नहीं जाती। क्यों, स्कूल क्यों छोड़ दिया? वैसे मुझे भी ना पढ़ाई बहुत टफ लगती है और स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे स्कूल जाना पसंद है या नहीं। अच्छा, तेरे बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा नहीं है, आई बोली कि जब मैं एक साल की थी तभी वो मर गए। तो तेरी आई सर्विस करती है? मेरी आई नासिक में रहती है। तो तू यहाँ किसके साथ रहती है? मैं मेरे मावशी के साथ रहती हूँ। तो तू स्कूल नहीं गई, मतलब नासिक में भी नहीं? तीसरी कक्षा तक गई थी पर स्कूल का नाम याद नहीं। जब मैंने तुझे पहली बार देखा ना यहाँ बैठे हुए तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे आई ने मेरा स्कूल क्यों छुड़वा दिया। तूने कभी आई से पूछा नहीं? नहीं, मैं तो उसे 2 साल से नहीं मिली हूँ। 2 साल? क्यों, तेरी आई तुझसे मिलने नहीं आती या फिर तू उनसे मिलने नहीं जाती है? वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि आई मुंबई नहीं आती, आती है। ऐसा क्यों? नमिता, आज स्कूल नहीं जाएगी तू। क्यों आई? अरे आज हमारे घर में काका आने वाले। काका? कौन से काका आई? एक अच्छे वाले काका, तुम्हें उनके साथ अच्छे से रहना है। कौन है वो? बाबा है मेरे? नहीं गो भाई, तुम्हें कितनी बार बताया तुम्हारे बाबा के बारे में, ये कोई और काका है, तुम्हें उनके साथ अच्छे से रहना है। करना मी नागेश, वो फरीदा ने पता दिया था यहाँ का। नमिता, मैं बाजार हो आती हूँ, काका का अच्छे से ख्याल रखना। ते दूसरों बोलता तस कराए, नाराज नहीं करना उनको। मैं घंटा भर बाहर रहूंगी। कौन था वो आदमी नमिता? मुझे नहीं पता पर रचना, उसने मुझे बहुत दुखाया। आई, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। काका ने ऐसा क्यों किया? धीरे धीरे दुखना बंद हो जाएगा। हा? और वो काका कितने अच्छे थे, उन्होंने मुझे 1200 रुपए दिए। हे बक, कितने काम के होते 1200 रुपए, आईते तुला? उन्होंने मेरे कपड़े निकाले, मुझे बहुत गंदा लगा। नहीं नहीं नहीं, गंदा नहीं लगना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे समझेगी तू बात। ये काका गंदे नहीं थे, वो सुनील याद है, वो गंदा था जिसके साथ हम यहाँ पे आए थे। वो कैसे हम दोनों को अकेला छोड़ के चला गया? अरे उसके बाद तुम्हें पता है ना मुझे कितने घरों में काम करना पड़ा। अभी तू भी कमाएगी तो हम दोनों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। रड़ो ना बस। हाँ शानी नमाजी भाई, अभी और अच्छे वाले काका लोग आएंगे, वो जैसे बोलेंगे वैसे करना।
बहुत सारे काका आने लगे, कभी दिन में एक, कभी दो, तीन, चार, कभी दिन में आते थे, कभी रात में, कभी तो पूरा दिन आते थे। वो दर्द कभी कम नहीं हुआ, बस बढ़ता ही गया। मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने आई को बोला था कि मुझे ये सब नहीं करना, पर वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो जाती थी। 2 साल पहले एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। आई, मुझे सब पता चल चुका है कि तू 9 साल की उम्र से मुझसे क्या करवा रही है। वो क्या है? क्या है? गंदा है, मुझे नहीं करना ये सब। क्यों नहीं करेगी? आई, उल्टी आती है, शर्म भी आती है, बहुत दर्द होता है। आई तो उससे घर में पैसे आते, घर चलता है। पर आई, अगर मैं स्कूल जाती तो अच्छी नौकरी कर पाती ना। सपनों में अच्छी लगती है नौकरी। अरे तुम आई थी, पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगते हैं? नौकरी और पढ़ाई सपने की तरह भूल जा, जैसे मैं तेरे बाबा को भूल गई। तेरे पैदा होने के बाद पी पी कर मर गया, और वो बाद में सुनील कुतरिया नासिक से हमें यहाँ पे लेके आया, वो भी छोड़ के चला गया। मैं उसे भी भूल गई एक सपने की तरह। पर आई, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो स्कूल जाना पसंद था ना। तेरे पसंद नापसंद से हमारा पेट नहीं भरने वाला, हमें जिंदा रहना है, समझी? हर भूखी औरत ऐसे ही गंदा काम करती है। नहीं ना आई, हम भी अच्छा काम कर सकते हैं जिसमें शर्म ना आए, दर्द भी ना हो। जो काम हमें ज्यादा पैसा देता है वो सबसे अच्छा काम होता है, समझी? तो आई, मुझे ये सब नहीं करना, और तू भी कुछ नया शुरू कर दे। वो फरीदा मैडम के साथ लड़कियों का धंधा करना बंद कर दे। एक टाइम तू मेरे को बोलेगी ना, मैं सुन लूंगी, समझा ना? लेकिन फरीदा मैडम के बारे में कुछ बोला ना तो दबान काट लूंगी तेरी। वो भगवान जैसे मेरे लिए, अगर वो नहीं रहती ना तो अब तक हम भीख मांगे की तरह भीख मांग रहे होते सड़क पे, जिंदा भी नहीं होते। तो आई, क्या अभी हम जिंदा है? जैसे ही हम उस सोसाइटी में घुसे, मुझे याद आ गया था कि मेरी आई मुझे कहाँ लेके आई है। मैं बहुत पहले वहाँ एक बार मेरी आई के साथ आ चुकी थी। वो फरीदा मैडम का ही घर था। नमस्ते। आ गई तू लक्ष्मी, आ जा। अरे नमिता, कैसी तू? तो तू यहाँ फरीदा मैडम के यहाँ रहती है? पूरे 2 साल हो गए और तेरी आई तुझसे मिलने भी नहीं आई। कोई फोन? तू बता रही थी कि तेरी आई फरीदा मैडम को कोई हिस्सा देती थी। हाँ, पर अब फरीदा मैडम आई को हिस्सा देती है। आई जब भी पैसे लेने आती है मुझे उससे बात नहीं करने देती। नमिता आइक, अब मैं नासिक वापस लौट रही हूँ, तू अब से यहीं पे रहेगी। हाँ, अरे तेरे को तो सब काम अच्छे से आता है, ऐसे ही करना। अरे हो, फरीदा मैडम ला त्रास नहीं देता, समझ ला? मुझे भी वापस नासिक जाना है, मैं यहाँ पे अकेले क्या करूंगी? अरे तू यहाँ पे रहेगी ना, तेरे लिए अच्छा होगा। देख कितना बड़ा घर है, और वो मैडम है ना फरीदा मैडम, बहुत अच्छी भाई है। हाँ, तेरा ख्याल रखेगी, यहीं पे रहना। देख नमिता, दिन में कभी 2 तो कभी 2 से ज्यादा लोगों के पास बैठना पड़ेगा, आदत ना हो ना तो। हेलो हेलो गुड्डू भाई। हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड करना, होल्ड करना। अरे फरीदा। हाँ गुड्डू भाई, आ जाना, उसको बोल 4 बजे से पहले हाउसफुल है। अरे दूसरों के साथ बैठा देना, वो जरीना के पास नवा आया। नहीं बाल, नमिता ही बैठेगी, उसको बोल इंतजार करे, मीठा फल मिलेगा, बार बार आएगा। हाँ ठीक है। हाँ गुड्डू भाई ठीक, 4 बजे आ जाना। हाँ अरे एक नंबर है, बोला ना। अम्मी, मुझे ना 150 रुपये चाहिए। किस लिए बेटा? वो स्कूल के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने वाली हूँ। ठीक है, अबू से ले ले, बोल अम्मी ने बोला। हाँ अंजुम जल्दी आ जाना। देख नमिता, मेरे यहाँ पे ना काम बड़े प्यार से होता है, तू बस कस्टमर को खुश रख, जो भी टिप मिलेगी ना वो सारी तेरी। देख तेरी आई ना तुझे मेरे पास बेच चुकी है, हर महीने ना किस जाया करेगी तेरी आई को, इसका मतलब आज से तू मेरे यहाँ ही रहेगी, खाना पीना पहनना सब टॉप का होगा बेटा, तू टीवी देख बाहर जा, पर काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैडम मुझे सारे घर के काम आते हैं, मैं वो कर सकती हूँ क्या? बेटा उसके लिए बाई है ना मेरे पास, वो बाई को
महीने का मैं जितना पगार देती हूँ ना, उतना तो एक दिन में कमाएगी, पता है तुझे? देख अब ये ना बातें बातें बहुत हो गई, अभी धंधे का टाइम हो गया ना, 9:30 बज गए। अरे 10 बजे तेरी पहली अपॉइंटमेंट है, जा जल्दी से तैयार हो जा। मैडम मेरी आई को एक फोन लगा दीजिए ना, मुझे उसे बात करनी है। जाने मन तेरी आई ना तुझसे बात नहीं करना चाहती बेटा, तो उस घर में उसका खून चूसती थी ना, इसलिए तेरी आई ना तेरे को मेरे पास भेज गई। तो अब तू ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, तैयार हो जा। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, आई तो नहीं आने वाली थी। वैसे फरीदा मैडम बात करने में अच्छी थी, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लगता था। वो हर रोज कम से कम 4-5 आदमी लोगों को बुलाती थी। भागने का कभी सोचा नहीं? क्यों? तू यहाँ रोज आती है तो यहीं से भाग जाना। मैं नहीं भाग सकती। क्यों? बाहर ऐसा क्या है जो घर में नहीं है? पूरा दिन घर पे रहती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, बस थोड़ी देर। सिर्फ आधे घंटे के लिए जाना, हाँ? और वो भी ना खाने के बाद। जी मैडम। सुन बेटा, देख मैं ना तुझे मेरा मोबाइल नंबर दे के रखती हूँ, अगर तू कहीं गुम गई ना तो किसी नजदीक के दुकान से मुझे फोन कर देना, कोई आके तुझे लेके जाएगा। हाँ ठीक। और हाँ, अगर तू ये सोच रही है ना कि यहाँ से भाग जाऊं या पुलिस में जाके कंप्लेंट करूं, तो ऐसी सोच ना अभी के अभी दिमाग से निकाल देना। हाँ बेटा। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। तू अगर ऐसा कुछ करेगी ना तो मुझे तेरी माँ को मरवाना पड़ेगा। नहीं। एक फोन जाएगा नासिक और तेरी माँ को मार दिया जाएगा। तू अगर कहीं छिप गई ना तो उस्मान और यूसुफ तुझे ढूंढ निकाले, अल्लाह ऐसी जगह पहुंचाएंगे तुझे जहां मैं अपने दुश्मनों को भी ना भेज। तू चाहती है ऐसा हो तो यहां से भागने का सोचना भी ना। हाँ, इस सोसाइटी में ना सब जानते हैं कि मैं किस चीज का बिजनेस करती हूँ, तो मेरे खिलाफ ना कोई कुछ नहीं बोलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ना पैसा बोलता है। पुलिस मेरी मुट्ठी में है बेटा, इसलिए ना यहाँ से कहीं भागने का सोचना भी मत। यहाँ नजदीक एक गार्डन है, तू ना वहीं जाया कर, एक बार दिखा देगा तुझे। हाँ जा। ठीक है। शुरू शुरू में इकबाल साहब साथ आते थे, पर अब मैं अकेले ही आती हूँ। चल मैं निकलती हूँ, एक मिनट भी लेट हो जाऊंगी तो फरीदा मैडम का दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। नमिता तू कल भी आएगी ना? हाँ। लेट हो गई तू? माफ कर देना मैडम, बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। 4 बजे? मतलब 4 बजे नमिता, कस्टमर वेट कर रहा है यहाँ, तू 4 बजे वहां से निकलेगी तो कैसे होगा? 4 बजे धंधे पे बैठना है तुझे, याद है ना? अब जा जल्दी से मुंह हाथ धो और तैयार हो जा। हाँ जा बेटा। पांच मिनट फिर जाना आप अंदर। इसके महेश सर बोल रहे थे कि एक ही क्लास में रिपीटर होने के बावजूद इसको मैथ्स में 0 मार्क्स आए। कहेगा रचना, ध्यान किधर होता रहे तेरा क्लास में? बाबा मैथ्स पर ही रहता है, थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, लेकिन बहुत जल्दी ना सब भूल जाती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता है। बेटा ऐसे तो एग्जाम में पास नहीं हो सकते ना,
तू लिख के क्यों नहीं याद करती बेटा? बाबा एक बात पूछनी थी। बोलना। वो समीर काका क्या करते हैं? मेरी आत्या का बेटा समीर, समीर करंदकर। हो। सोशल वर्क करता है, कोई एनजीओ चलाता है शायद। पढ़ाई छोड़कर हर एक चीज में इसका दिमाग चलता है। वैसे ये अचानक से तेरे को समीर का ध्यान क्यों आया? वो बस ऐसे ही बाबा। अब कहाँ बाहर जा रही है? बस अभी आई। आजकल रोज दोपहर में बाहर जा रही है, ना पढ़ने के हजार बहाने इसके पास। से निकलना कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम कुछ कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन रचना, मैं जाऊंगी किधर? मेरी आई को वो लोग मार डालेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी आई को कुछ भी करेंगे। वो सिर्फ तुम्हें ऐसे डराने के लिए कह रहे हैं। अगर तुम्हें निकलना है तो हम कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। देख रचना, तू अपने आप से कुछ भी मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मैं बहुत बुरी फंसूंगी, और वैसे भी मैं इस हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली क्यों? वो मुझे किसी के पास तो भेज रही है फरीदा मैडम, 2 दिन पहले ही मुझे पता चला। तो तू दिल्ली से वापस नहीं आएगी? उन्होंने कहा है कि वो मुझे दिल्ली में ही किसी को तो बेच रही है। और चिकन खाएगी बेटा? नहीं बस। देख, अगले हफ्ते ना इकबाल तुझे दिल्ली ले जाएगा। वो कहाँ है? अरे अपने मुल्क की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है, मुंबई जैसा। अब ना तू वहीं रहेगी। दिल्ली की एक बड़ी पार्टी को ना मैंने तुझे बेच दिया है, बहुत बड़े दाम में। हमेशा के लिए? अरे इतने आगे का नहीं सोचते बेटा। तू ढंग से काम कर, ढंग से खा पी, दिल्ली में ना अच्छे से रह। वहाँ तू बड़े बड़े लोगों से मिलेगी, लोगों को ना पटा कर रखना सीख। सिर्फ बैठना नहीं है, 4 लोगों में खड़ा होना सीख। बहुत दूर जाएगी तू बेटा, मुझसे भी बड़ी मैडम बनेगी तू। पर क्या तेरा दिल्ली जाने का मन है? नहीं रचना, मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तेरी हेल्प करनी है नमिता। मैं किसी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहती, और तेरी इतनी अच्छी जिंदगी है, आई बाबा सब है, स्कूल भी जाती है। तूने मुझसे बात की, वही मेरे लिए बहुत है। चल 4:15 बज चुके हैं, मैं अभी जाती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। नमिता कल आएगी ना? पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आई। आ जाएगी। काका वो इसी रास्ते से आती है, मैंने सोसाइटी के गेट से देखा है। तू जानती है फरीदा कहाँ रहती है, किस कॉलोनी में रहती है? नहीं काका, लेकिन उसने नुपुर नगर कहा था। बेटा नुपुर नगर तो बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढेंगे उसे? अब कोई बिल्डिंग का नाम, कॉलोनी का नाम नहीं पता है उसने? मतलब नुपुर नगर के अलावा? नहीं काका। मोबाइल नंबर? नहीं, उसके पास सेल फोन नहीं है। लेकिन उस फरीदा ने उसे नंबर दिया था ना खुद का? हाँ, लेकिन मैंने कभी उससे मांगा नहीं। ठीक है, काम करोगे कल तू फिर से यहाँ पे आना इसी टाइम पे, हाँ? और जैसे वो आती है तू उसे मेरे ऑफिस में लेके आना। काका हा? वो कोई दिल्ली वाला प्लान बता रही थी, कहीं उसे आज ही तो नहीं लेकर चले गए। रचना तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लड़की सच बोल रही है? हाँ सर, मुझे पक्का यकीन है वो सच बोल रही है। कई हफ्तों से मैं उससे रोज मिल रही हूँ। देखो नूपुर नगर में बहुत सारी सोसाइटीज है, हर सोसाइटी में रेड करना बहुत मुश्किल है। कोई तो सोर्स होगा आपका, मतलब कोई खबरी वगैरह जो उस फरीदा के बारे में जानता हो, उसका पता जानता हो। अरे साहब, फरीदा ने खुद नमिता को बताया था कि उसकी पूरी सोसाइटी जानती है कि धंधा करती है, पर सभी उससे डरते हैं। वो सब ठीक है, पर हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं, उसका नाम फरीदा है या नहीं वो भी तो नहीं पता हमें। वो लोग उसे आजकल में दिल्ली ले जाने वाले, वो कह रही थी कि उसे वहाँ बेच दिया गया। सर अगर एक बार वो यहाँ से निकल गई तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। प्लीज़, पिछले 7 सालों से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। सर प्लीज़ बगाना ज़रा। विजय, अपने नूपुर नगर एरिया में कोई फरीदा करके फ्लैट स्टेट की मैडम है, अपने फ्लैट से ही धंधा ऑपरेट कर दी, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे चाहिए। चल। देखिए हमसे जो कुछ भी होगा वो हम लोग करेंगे, और हाँ रचना
अगर वो लड़की कल तुम्हें गार्डन में मिलती है तो तुम सीधा उसे यहाँ लेकर आओगे मेरे पास। ओके सर। साहब ये फरीदा का पूरा नाम फरीदा शेख है। कहाँ रहती है? तीसरा माला फ्लैट नंबर 302 चार नंबर बिल्डिंग रुखसाना सोसाइटी। ठीक। ये थोड़ी गर्मा गर्मी वाली सोसाइटी है। यहाँ बिना ठोस सबूत या अरेस्ट वारंट वगैरह के घुसेंगे ना तो शोर मचेगा। शोर को खामोश करना हम अच्छे तरीके से जानते। तू सिर्फ इतना बता ये बच्ची नमिता उस फ्लैट में है क्या? वो तो नहीं पता साहब। ये जो फरीदा मैडम है ना इसका बहुत सारी लेडीज लोग के साथ नेटवर्क है पूरा जो घर से धंधा करती है। ये कस्टमर लोग को उससे घर पे भेजती है और औरत लोग से दलाली खाती है। इस फरीदा से कॉन्टेक्ट कैसे किया? यूसुफ अली साहब दल्ला है उसका सारा काम वही देखता है। नंबर दे यूसुफ। काका नमिता आज भी गार्डन ही है। मुझे डर लग रहा है कहीं उसे दिल्ली तो नहीं भेज दिया। हो सकता है। अब क्या होगा काका? क्या हम उसकी दिल्ली में हेल्प कर सकेंगे? हम जरूर उसकी हेल्प करेंगे। मैं अभी निकलता हूँ और तुझे भी साथ लेकर चलता हूँ। पुलिस के पास दोबारा चलते हैं। तुम सही कह रही थी। फरीदा शेख नाम है उसका। रुखसाना बिल्डिंग में रहती है। बड़ी शातिर खिलाड़ी है। सर आप रेड करेंगे ना उस घर पे? और अगर उसने नमिता को दिल्ली पार्सल कर दिया हो तो? सर आप फरीदा मैडम से क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्होंने नमिता के साथ क्या किया है? वो सीधा मना कर देगी। वो कहेगी कि मैं किसी नमिता को जानती ही नहीं। फिर जल्दी कुछ करना पड़ेगा। जब तक उस फरीदा की क्वेश्चनिंग नहीं होती ना तब तक हम लोग कुछ नहीं जान पाएंगे। सर मेरे पास इस फरीदा के दाहिने हाथ यूसुफ का कॉन्टेक्ट नंबर है। उसे उठवा कर बुलवा सकते हैं। लेकिन उससे फरीदा अलर्ट हो जाएगी और उसे हमें रंगे हाथों पकड़ना है। विजय हमें किसी को कस्टमर बना के उसके पास भेजना चाहिए। ऐसा कोई जिस पर आप भी भरोसा कर सकते हैं और वो लोग भी भरोसा कर बैठेंगे। वो लोग भरोसा करेंगे। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। हेलो यूसुफ भाई। हाँ कौन? भाई मेरा नाम ललित है। मेरे दोस्त राजेश ने आपका नंबर दिया। हाँ बोल। टाइम पास के लिए एक लड़की चाहिए थी। वो मैं क्या तेरे पास? नहीं नहीं जगह नहीं है मेरे पास। मेरे को भाई 5 मिनट दे मैं देखता तेरे को किधर बिठा सकता हूँ। लेकिन भाई देख रेट के मामले में अपने को कोई चिक नहीं मांगता। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ वो लड़की थोड़ी कम उम्र की चाहिए थी। अच्छा कौला माल मांगता है। मिलेगा भाई। लेकिन देख लड़की का उम्र जितना कम रहेगा ना रेट उतना ज़्यादा रहेगा। हाँ ठीक है मंजूर। एक घंटे का 8,000 रुपये लगेगा। 8,000? अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं पहले बोला था ना मेरे को रेट के मामले में झिक झिक नहीं मांगता है। एक तो साला तुम लोग के लिए छोटी लड़की ला ऊपर से मोल भाव। अरे लेकिन भाई थोड़ा तो कम करो ना। भाई देखिए एक ही रेट बोलता है उसके ऊपर 1 रुपया भी कम नहीं करेगा मैं। 7,500 एक घंटे का बोल मांगता है। हाँ ठीक है ठीक है। वो लड़की ज़्यादा छोटी तो नहीं है ना? एकदम बच्ची तो नहीं है ना? अरे भाई 16 साल का कच्ची गली है। कहाँ हूँ? नूपुर नगर। उधर रुखसाना सोसाइटी है उसमें 4 नंबर बिल्डिंग में तीसरे माले पे 302 कमरा नंबर। ओके खबर आ लिया निगाह। रचना बड़ा तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कुछ दिनों से तू ज्यादा ही खोई खोई सी लग रही है। आई मेरी एक फ्रेंड ना बहुत तकलीफ में है बस वो बच जाए। कौन सी फ्रेंड? वो ना रोज गार्डन में आती थी
तो मैं उससे रोज मिलने जाती थी वहां पे। तू उससे मिलने जाती थी? क्या हुआ है उस लड़के को और क्या नाम है उसका? मेरा नाम ललित है, यूसुफ भाई ने भेजा था। हाँ हाँ आइए अंदर आइए बैठिए। 7,500 यहाँ रखना पहले। फरीदा चंदू को मैसेज आया है, वो आ जाना सर। ठीक है टाइम दे उसको, इसके बाद और एक कस्टमर है। आइए। अरे इधर आइए। अभी ठीक 4 बज रहे हैं, मैं 5 बजे दरवाजा खटखटाऊंगा, 5 मिनट में निकलना पड़ेगा। हाँ दरवाजा लगा दे अंदर से। जी नाम क्या है तुम्हारा? राबिया। विजय साहब फ्लैट में पहुंच गए होंगे ना? हाँ वो फोन करेगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ये तुम्हारा असली नाम है? बैठो डरो मत। देखो मैं कोई कस्टमर नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ। तुम्हारी दोस्त रचना ने मुझे भेजा है, अब मुझे अपना असली नाम बताओ। नमिता। रचना से तुम कहाँ मिली थी? गार्डन में। आखिरी बार कब मिली थी उससे? 2 दिन पहले, उसके बाद मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैडम ने भर भर के कस्टमर लोगों को टाइम दे के रखा था। देखो घबराओ मत, हमारी टीम आती होगी, हम तुम्हें ऐसे जल्दी छुड़वा लेंगे। इकबाल चाय। वो आयुब शेख ने एडवांस दिया ना नमिता के लिए? कल दोपहर खाने से पहले सारा टुकड़ा आ जाएगा। कौन? इंस्पेक्टर अरुण भोसले। चल साइड लाओ। साहब अंदर क्या घुसा है? ए मां तिकडे बघ। ए काय झालं साहेब बसा ना तुम्ही। चुप बैठो। अरे काय झालं साहेब बसा ना। बच्ची बार लियो। ये लड़की कौन है? मेरी बच्ची है साहब। क्या हुआ साहब, बैठ के बात करते ना शांति से। फरीदा शेख अब जो भी बात करनी है ना अदालत में करना, इन दोनों को लेकर चलो और बच्ची को उसके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दो। हो काका। रचना एक चांगली बात नहीं है, तेरी दोस्त नमिता को हमने बचा लिया। काका कहाँ है वो? यहीं बैठी है मेरे सामने पुलिस स्टेशन में। काका मैं वहाँ आ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुझे देखकर नमिता बहुत खुश होगी। साहब मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ लड़कियों को, मारपीट नहीं करती हूँ, अच्छा खाने को देती हूँ, पहनने को देती हूँ। अरे वो एनजीओ वाले क्या ध्यान रखेंगे, उतना अच्छे से ध्यान रखती हूँ। पूछो ना आप लड़कियों से। फरीदा आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नमिता के माँ का एड्रेस और फोन नंबर क्या है? सीधे से बताया तो ठीक है, वरना ये 2 कांस्टेबल तेरी ऐसी सेवा करेंगे ना, यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएगी। तो अंजुम को हम लोग अनाथ आश्रम में डाल देंगे, जिंदगी भर नहीं देख पाएगी उसे फिर। मेरी अंजुम को दूर रखो इस सबसे। क्यों? अच्छा हाँ तेरी बेटी है ना इसलिए उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, पर अंजुम जिस घर में बड़ी हुई है न जाने वहां कितनी लड़कियों को नोचा गया है तेरी वजह से। बोला ना साहब मेरी बेटी को दूर रखो इस सब से। तो नमिता के माँ का एड्रेस और नंबर दे दे। ये मेरे को नहीं मालूम साहब, वो नमिता को मेरे को बेच के चली गई, आ जाती है कभी कभी अपना बैलेंस लेने। फोन दो इसका, ले ले फोन करो उसे, उसको बोल अकाउंट सेटल करना है अभी के अभी, आ जा सारे पैसे लेकर जा। क्या अकाउंट सेटल करना है साहब, अपन अपना अकाउंट सेटल करते हैं ना, आप फिगर बोलो। अरे इन दोनों का भी ऐड कर दो, 1 घंटे में पैसा आ जाएगा आपके लिए ना। नमिता को फ्री कर देती हूँ बस। एक काम करता हूँ अंजुम को यहाँ लाता हूँ, उसे भी देखने दे।
उसकी अम्मी की क्या हालत हो रही है, जा अंजुम को लेकर। ए रुक, करती हूँ फोन। काका कुठे आई थी? ती आतमध्ये, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। काका अब नमिता कहाँ जाएगी? मैंने चाइल्ड केयर कमेटी से बात कर ली, अब उसका केस वही लोग हैंडल करेंगे और सब बिल्कुल सही जगह भेजी। जब हमारे घर में खाने के फरीदा ने फोन पर नमिता की मां लक्ष्मी को बाकी का पैसा देने का लालच दिया और लक्ष्मी उसी रात मुंबई आई और पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। फरीदा मैडम, लक्ष्मी में रत्ती भर का पछतावा नहीं था कि उसने एक बेहद अमानवीय और भयंकर जुर्म किया था। मजबूरी और गरीबी की आड़ में अपनी 9 साल की बच्ची को स्कूल से निकालकर वेश्यावृत्ति में डाल दिया था। परीक्षा ली, अब वही तय करेंगे कि मैं कौन सी कक्षा में बैठूंगी। अगले महीने से तो मेरी स्कूल भी चालू हो जाएगी। मुझे पढ़ाई करना ना बिल्कुल पसंद, और मैथ्स तो जैसे मेरा दुश्मन ही है, फिर भी आई बाबा कह रहे हैं कि एटलीस्ट 10th तो पास कर ले। मगर तुम ना खूब पढ़ना, रुकना मत, बस पढ़ते ही जाना। हाँ रक्षा, मैं मेरे आई से मिली, वो जेल में है। तुम खुश हो ना? हाँ रचना, थैंक यू। अरे थैंक यू कैसा, दोस्तों मैं थैंक यू नहीं कहती। रचना तुमने मेरी बात सुनी, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपने बारे में किसी को कुछ बता पाऊंगी। सच कहूँ तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी की बात सुन पाऊँ। महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रही एक एनजीओ ने नमिता की जिम्मेदारी ली। रचना और नमिता लगातार मिलते रहते हैं और उनकी दोस्ती अब और गहरी होती जा रही है। क्राइम पेट्रोल 17 की टीम 16 वर्षीय रचना को सलाम करती है, जिसने ना सिर्फ अपनी हम उम्र एक अजनबी लड़की की मायूसी और पीड़ा को पहचाना, बल्कि उसे वहां से निकाल कर एक नई जिंदगी की उड़ान भरने की तरफ उसकी मदद की। कल रात फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ CID के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।